है पटो को लिखो गो मनोगा नवाब है और खेलो का कूदो गो होगा खराब है। रात में किया जगह आगामी आर्मी की भर्ती है बस सरदार शहर में होनी है जगह में बहुत सा बच्चा है जगह आर्मी की तैयारी करना और बहुत सा बच्चा है जगह पुलिस की तैयारी करने भी आवा है। तो ये पूरा जंगल पड़ा था कॉलेज के पीछे का भाग, खेल कूद भी जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया। मैं एक डिसिप्लिन की मांग कर रहा हूँ बच्चों की अनुशासन में आओ, अनुशासन में रहो, अनुशासन में जाओ, ये आपकी संपत्ति है। और वो पहलो ग्राउंड है इसी जगह के मायने साउंड लगे हुए है जो सुबह शाम देशभक्ति गाना है जगह दो दो घंटा बाजता रहे ताकि एक ऊर्जा को संचार हुआ बच्चा में उत्साह हुआ। इन्फ्यूजन नोट्स पर पाए सभी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के नोट्स, आरएएस पटवारी एसआई परीक्षा में क्वेश्चन सीधे इन्फ्यूजन नोट्स से पूछे गए। प्रतियोगी परीक्षा के नोट्स लेने के लिए आज ही विजिट करें infusionnotes.com। राम राम सर, मैं बलराम मूर्ति, देखिए झलको चुरू चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाना ना भूलिया। आज आए आप सरदार से तहसील में, सरदार से तहसील में तिरंगा स्टेडियम में एक बहुत ही शानदार भामा संघ द्वारा और इजा का जगह पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बाघ द्वारा ओपन जिम को निर्माण करे गए और एसबीडी कॉलेज का जगह प्रिंसिपल है वहाँ से मैं बातचीत करांगा। और एक तिरंगा स्टेडियम का मतलब के कुछ से जगह का बच्चा फायदा होसी के कुछ से गाँव का अठका जगह आस पास का लोग बन फायदा होसी बिग बार आप जानांगा। अभी तिरंगा स्टेडियम में जिम को निर्माण करियो, बच्चा खेल कूद के लिए ट्रैक को निर्माण करियो के कुछ मतलब प्लानिंग है थारे अभी? आज लगभग 2.5 साल पहले एक सागरा मिल गया मुहिम छेड़ी के अठे जगह आर्मी की जगह बच्चा तैयारी करता मैं अठे सड़क पर दौड़ता तो बहुत सी बार एक्सीडेंट हो जाए तो और हो जाए तो बहन देखता करता जब वहाँ सगरा मिल गया सगड़ा प्रयास में सोचियो कि क्यों ना कि आप कोई एक ट्रैक बनावा जगह कि एक बच्चा बैठे दौड़ सके और बने एक व्यवस्थित संसाधन टोटल अठे मिल सके। तो भी बाद में ले गए मैं हमारे एसपीडी कॉलेज का जगह प्राचार्य पूर्व प्राचार्य है वह मिला जब वह शहर से माने स्वीकृति दी कि भाई पीछे कॉलेज में जमीन पड़ी है भी मथे जीएम भी है कोई ग्राउंड वगैरह बनाओ तो स्वीकृति है तो मैं भी टाइम जगह स्वीकृति ली भी टाइम हिसाब वो स्वीकृति आ ली कि एक तो मैं 400 मीटर ट्रैक बनाना चाहवा क्रिकेट को मैदान भी बनाना चाहवा साथ के मायने बास्केटबॉल को वॉलीबॉल को हॉकी ए जगह भी जितना भी कोर्ट बनी भाई कोर्ट बनाना चाहवा और ओपन जिम भी लगाना चाहवा बैठने बेगी जगह भी दर्शक आवागे सीटिंग व्यवस्था बेगी भी सीटिंग व्यवस्था बनाना चाह रहा साथ में जगह आर्मी की तैयारी वास्ते इक्विपमेंट लगे वह भी लगाना चाह रहा ओपन जिम भी लगाना चाह रहा तिरंगो झंडो भी लगा सियाँ अठे तो यहाँ करके बस स्वीकृति ली और भी मुहिम ने लेकर मैं चालिया जब 400 मीटर का ट्रैक भी आज बन गए तैयार है, स्टेज भी 25x40 को बन गए तैयार है, सीटिंग व्यवस्था भी बन गए तैयार है, शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा भी आज लागे तैयार है ग्राउंड के मायने और जगह बच्चों की जगह तैयारी के लिए जगह आर्मी की तैयारी करना आज के दिन लगभग 1500 बच्चा है सुबह शाम तक तिरंगा स्टेडियम में तैयारी करने आवा है जगह में बहुत सा बच्चा है आर्मी की तैयारी करना आवा बहुत सा बच्चा है जगह पुलिस की तैयारी करने भी आवा है और बहुत सा लोग बाग है जगह स्वास्थ्य लाभ लेने में भी आठ घूमने भी आवा है कसरत करने भी आवा है तो आज 1500 के बीच में लोगों ने तिरंगा स्टेडियम में फायदों मिल रही है जगह एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे और इनको नाम जो स्टेडियम सगड़ा मिल गए मैं तिरंगा स्टेडियम दिया इमा आर्मी की तैयारी के लिए इक्विपमेंट और आ कोनी के सरदार से तहसील का बच्चा इमा तैयारी करने के लिए आज राजस्थान में जोधपुर का जालौर का जैसलमेर का बाड़मेर का हनुमानगढ़ का गंगानगर साइड का भी और चूरू आसपास में जयपुर अठ का बच्चा भी है बहुत सा यानी पूरे राजस्थान से बच्चा अठा क्योंकि बहुत सी डिफेंस अकेडमी होगी अठे ये वजह से बच्चा अठे तैयारी करने के लिए और साथ में किया गया आगामी आर्मी की भर्ती है बस सरदार शहर में होनी है तो भी बोल गए भी बच्चा अठा आगे तैयारी करे तो वो एक बहुत बड़ा हब बन गया आप डिफेंस को सरदार शहर अपने आप में पहले डिफेंस का नाम से हटे जानता भी कोनी का डिफेंस केव है और एक भी एकेडमी वगैरह कुछ कोनी ने पूरे सरदार शहर के मायने अगर टोटल 210 गांव हैं तो 210 आर्मी में लोग लागेड़ा कोनी है भर्ती कोनी वेड़ी लेकिन आज जदू स्टेडियम बनी है और जदू लोगों ने बच्चा ने संसाधन मिलो है भी जदू ले गए अब बताइए तो लगभग 250 छात्र है जगह नया जगह आर्मी की जगह जद भी भर्ती हुई है या 2019 में हुई भी पहली हुई है बार एक पीछे जोधपुर भर्ती हुई तो भी मैं मिला गया 250 से भी ज़्यादा बच्चा है जगह इस सरदार से तहसील का जगह आर्मी में लग गया है। पुराने टाइम के मायने एक स्लोगन हुआ करते कि पढ़ो को लिखो का मनोगा नवाब है और खेलो का कूदो को होगा खराब है ठीक है बहुत स्लोगन है जगह हमारा कॉलेज स्टाफ वगैरह प्रशासन है जो भी कॉलेज प्राचार्य महोदय ने वो चेंज करने के बिल्कुल भी प्रयास करी है भी प्रयास वो करी है कह के अब स्लोगन नहीं आ गया कह के पढ़ोगा लिखोगा मनोगा नवाब है और खेलो का कूदोगा मनोगो लाजवाब है। बिंगा उदाहरण है कृष्णा पूनिया है देवेंद्र जाजड़िया है अभी नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल है सचिन तेंदुलकर है ठीक है पढ़ाई लिखाई में मन गए थे आईएएस मनुष्य को आईपीएस मनुष्य को थे प्रोफेसर मनुष्य को वकील मनुष्य को डॉक्टर मनुष्य को लेकिन वो की एक थारो एक सीमित क्षेत्र होगी ठीक है लेकिन खेल कूद एक ऐसी चीज है जगह के मायने आज गवर्नमेंट भी बहुत प्रयास कर रही है कि जगह भी खेल के मायने मेडलिस्ट है बनने भी नौकरी में और में प्राथमिकता मिल रही है तो इन वास्ते खेल कूद भी जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया और खेल कूद के मायने अगर कोई गोल्ड मेडल लावे सिल्वर मेडल लावे देश के लिए मेडल लावे सोनो लावे चांदी लावे तो मांग पूरे देश स्तर पर
हिंदुस्तान लेवल पर नाम होवे और हिंदुस्तान लेवल पर लोग जानना आग जावे। और इन मायने नगर पालिका के द्वारा भी माने सहयोग करो गए, नगर पालिका के द्वारा ओपन जिम लगाई गई है और नगर पालिका के द्वारा एक हाईमास्ट लाइट भी लगाई गई है ताकि नाइट में भी बच्चा है जगह अठे तैयारी कर सके। तो बैंक जगह बच्चा आवे जिम वगैरह या फिर ट्रैक पर दौड़ करना कुछ चार्ज वगैरह फीस वगैरह लगे मांगी ना? कोई फीस को नहीं, टोटल नहीं सुगले। कॉलेज प्रशासन जो है मान के रखे है कि बच्चा है जगह कोई वह बच्चा तैयारी कर रहा है बढ़िया है कहते वो काम करो भी जो बच्चा तैयारी करना आ रहा है अपन कोई बच्चा पर कोई फीस को लेनी ठीक है नहीं जो को भी है अठ विकास समिति के द्वारा में आगे भविष्य में जब कॉलेज ने हैंडओवर कर दे नहीं ग्राउंड है तो कॉलेज अपने आप विकास समिति द्वारा इनको संचालन करवो कर सी बच्चा पर कोई फीस को लेवा अठ आओ लेकिन डिसिप्लिन जरूरी है। मैं एक डिसिप्लिन की मांग कर रहा हूँ बच्चों के अनुशासन में अनुशासन में रहो अनुशासन में जाओ ये आपकी संपत्ति है इसका आपको इन उपयोग है जो थाने करना है लेकिन इन अनुशासन रखना जरूरी है। जो भी अनुशासन जो अनुशासनहीनता कर सी नहीं भी बच्चे की अठे एंट्री कोनी ग्राउंड का मायने और वो पहलू ग्राउंड है जगह के मायने साउंड लगे हुए जो सुबह शाम देशभक्ति गाना है जगह दो दो घंटा बाजता रहे ताकि एक ऊर्जा को संचार हुआ बच्चा में उत्साह हुआ देशभक्ति गाना के अलावा कोई गाना कौन बाजे देशभक्ति गाना सुबह शाम बाजे जगह में वाटर प्रूफ साउंड लगे हुए अठे। तो कुछ मतलब कॉलेज में तिरंगा स्टेडियम में तो कुछ आइटम्स वगैरह लगे हुआ बच्चा दौड़ वगैरह करना रहे कि कुछ कॉलेज ने फायदे हुए चीज तिरंगा स्टेडियम के बारे में तो मैं कुछ आपको काफ़ी कुछ बताना चाहूँगा कि मैं 92 में एक बार यहाँ आया था तो ये पूरा जंगल पड़ा था कॉलेज के पीछे का भाग। लेकिन इस बार जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो इसको मैं देख करके आश्चर्यचकित हुआ कि मैंने कहा इतना बढ़िया स्टेडियम यानी कि अपने चूरू जिले के जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें सबसे बढ़िया स्टेडियम है। और ये हमारे जो पार्षद हैं और जो हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं इनके मतलब इनके प्रयास से ये मतलब तिरंगा स्टेडियम है वो तैयार हुआ है और साथ ही इन्होंने अपने भामाशाहों को साथ में लेकर के और इसे पूरा तैयार किया गया है और इससे हमारे महाविद्यालय के बच्चों के साथ साथ आउटर को भी फायदा हो रहा है। बच्चों को तो हो ही रहा है ट्रैक में ये सुबह हमारे स्टूडेंट भी आते हैं महाविद्यालय के भी और अभी हाल ही में कबड्डी में इनमें हमारे इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हुए थे जिसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया मतलब विजेता रही है हमारी टीम महाविद्यालय की। अभी बच्चा ने मतलब तो कुछ बेनिफिट मिल रही है खेल कूद की प्रतिक्रिया के लिए जिम के लिए और के कुछ फायदा है इसे लगभग जो पूर्व वक्ता मेरे सहपाठी हंसराज सिद्ध और प्राचार्य साहब ने बता दिया है और इसके अलावा साथ साथ हम एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और तैयार कर रहे हैं जो रूसा के द्वारा महाविद्यालय में जितना भी खेल गतिविधियों के लिए या फिजिकल जो सामान खरीदा गया है वो उसके लिए हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं अलग से और दूसरा क्रिकेट के लिए तैयार हो ही रहा है। क्रिकेट के साथ साथ यहाँ पे बाहर का प्लान है कि यहाँ बेसबॉल का बास्केटबॉल का ग्राउंड बनेगा और पार्किंग व्यवस्था यहाँ होगी और बाकी सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये तो कुछ से बच्चों के लिए हो रही है इसलिए कुछ सारा ये तो आप सुबह शाम जब आकर के देखोगे उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ लगभग 1500-2000 के बीच में बच्चे सुबह और शाम सुबह 4 बजे के लगभग बच्चे शुरू हो जाते हैं और 9 बजे के लगभग तक वो यहाँ दौड़ते रहते हैं अपनी खेल कूद की गतिविधियाँ करते रहते हैं। पूरी तैयारी यहाँ आर्मी के लिए जो तैयारी का जितना भी साधन है दौड़ के अलावा भी उनकी जैसे बाधा दौड़ है जो बीम वगैरह निकालने के लिए जो उपकरण हैं वो सब यहाँ उनको एक जगह ही मौजूद मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि उनका इसके प्रति लगाव और आस्था इस स्टेडियम के प्रति वो देखने की मिलती है। जब आप आओगे तो बच्चे सबसे पहले स्टेडियम में पहले उसको नमस्कार करके फिर अंदर प्रवेश करते हैं। जब जाते हैं जब वो नमस्कार करके यहाँ से जाते हैं इसका मतलब है कि उन्होंने अपने मन से इसको एक मंदिर के रूप में माना है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ युवाओं को कि आप यहाँ आए यदि आज का ये जो कोरोना काल है उसमें भी यदि देखा जाए तो अपना यदि रोग प्रतिरोधात्मक यदि शरीर जब तक नहीं रहेगा हम ऐसी महामारियों का भी सामना नहीं कर सकते। इसलिए ये खेल है व्यायाम है दौड़ है ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर वीडियो तो अच्छा लगे है तो वीडियो शेयर करें जलको चूरू चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राय देनी ना भूलें। जय चूरू जय राजस्थान जय हिंद।